रहीमिया खान इंतजामिया की नाअहली, बेशतर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा, शहीद दूर दराज के इलाकों से पानी लाने पर मजबूर हो गए। रहीम यार खान इंतजामिया अपने शहरियों को साफ पानी की फराहमी में नाकाम हो गई। समाजी रहनुमा चौधरी खालिद महमूद का कहना था कि 10 सरकारी फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से 5 खराब हैं। दूसरी जानिब अपनी मदद आप के तहत लगने वाले 50 के 50 फिल्ट्रेशन प्लांट्स मुकम्मल फाल हैं। उन्होंने कहा कि आबादी के लिहाज से मजीद फिल्ट्रेशन प्लांट्स की अशद जरूरत है, वरना मुस्तकबिल में साफ पानी नायाब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 80% बीमारियाँ साफ पानी न मिलने की वजह से जन्म लेती हैं। 50 लाख की आबादी में तकरीबन जो फिल्ट्रेशन प्लांट लगे वो नाकाफी है। इतनी आबादी के लिए समझ लें कि 40 से 50 है। हर एक लाख पर एक फिल्ट्रेशन प्लांट आता है, जिसमें गवर्नमेंट के भी हैं और मुखय्यर आजाद के भी हैं। मुखय्यर आजाद वाले तो चल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट वाले जो हैं वो बिल्कुल ही नकारा है। उनकी कोई मेंटेनेंस प्लान नहीं है। अगर इन्हीं का मेंटेनेंस प्लान को दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से तवज्जो दी जाए तो काफी हद तक ये मसला हल हो सकता है। समाजी रहनुमा चौधरी खालिद महमूद ने मजीद 40 से ज्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने और मौजूदा प्लांट्स की माहाना मेंटेनेंस का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। मुजफ्फरगढ़ के शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम तिब्बा करीमाबाद के 5000 वासियों को साफ पानी तक दस्तियाब नहीं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वाटर प्लांट की हालत भी इंतहाई खराब है। सारा सामान चोरी हो चुका। शिकायत के बावजूद इंतजामिया ने नोटिस नहीं लिया। इलाका मकीन गंदा पानी पीने पर मजबूर हो चुके। मुजफ्फरगढ़ में साफ पानी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। टिब्बा करीमाबाद की 5000 आबादी साफ पानी से महरूम है। इलाका मकीनों ने बताया कि चंद साल कबल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से एक वाटर प्लांट लगाया गया, उसका सारा सामान चोरी हो चुका है, मगर इंतजामिया को कोई होश नहीं आया। पीने के पानी का वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मसला बना हुआ है, क्योंकि कड़वा पानी होता है और पीने के लायक नहीं होता। यहाँ वाटर प्लांट लगाया था कुछ अर्सा पहले, तो अब उसकी देखभाल बिल्कुल नहीं है और लोग जो हैं वो यहाँ से टूंटियां तक उसकी उखाड़ के ले गए हैं, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी आबादी जो है ये पीने के पानी से महरूम है। 2010 के सैलाब के बाद मुजफ्फरगढ़ की जेर जमीन पानी में आर्सेनिक की मकदार खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। शहरी मुजिर सेहत पानी पीने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला हो रहे हैं। कई बार दरखास्तों के बावजूद इंतजामिया ने नोटिस नहीं लिया। वाटर प्लांट जो एक बनाया था बल्दिया के, उसमें जिसकी टूटियां वगैरह जो इस वक्त मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुकी हैं, जो नशे या चोर आजाद वो ले गए, मगर उसके बाद भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को होश नहीं आया कि इसको आगे फाल कर दिया जाए, इसकी टूटियां लगा दी जाए। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों का कहना है कि पानी के कई मंसूबे शुरू किए गए जो ताहल पाया तकमील तक न पहुँच सके। वाटर प्लांट्स की हालत जार भी खराब है। मुतलका इदारे फौरी नोटिस लें। आमिर डोगर, मुजफ्फरगढ़।